अज पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव हैगा वा। देश विदेश तो संगत गुरुद्वारा साहब के नतमस्तक हो रही ने। लुधियाना के इतिहासिक स्थान के असी पहुंचे हैं, तस्वीर तुम दिखा दें। सो दादी कि इस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी पहुंचे सके तो उस तो बाद स्थान जोड़ा वा इतिहासिक बन गया वा। सो बहुत सारी संगत इस स्थान के बारे नहीं जोड़ा वा जानकारी हैगी। सो अज तुम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तुम दर्शन भी करा रहे हैं। सो पूरी जानकारी देवे साढ़े नाल गुरुद्वारा साहब के जोड़े हैड ग्रंथी ने, वो भी साढ़े मौजूद ने, गलबात करा। इस स्थान पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के नाम तो जाने जाता वा। गऊघाट गुरुद्वारा हैगा वा लुधियाना के 3 नंबर डिवीजन और बुढ़े दरिया के नाल यह गुरुद्वारा लगता वा। सो पूरी जानकारी लेवे। बाबा जी सत श्रीकाल जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। बाबा जी, अब गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब हैगा वा, देश विदेश तो संगत गुरुद्वारा साहब के पहुँच रही ने। लुधियाना भी इतिहासिक स्थान हैगा वा, बहुत सारी संगतों को इस बारे नहीं जानकारी हैगी। सो अज असी दर्शन भी करा रहे हैं ते तुहाडे तो जानकारी भी लवेंगे। कदों गुरु नानक देव जी इस स्थान पर आए थे? गुरु नानक देव जी महाराज इतने 1515 ईस्वी के आए ने जी। उस समय इस नगर का जिहड़ा राजा सी उहदा नाम सी लोधी खां, जलाल लोधी खां। तो गुरु नानक देव जी महाराज जदों इस धरती से आए ने, इस सृष्टि से आए ने, तो इतों सतलुज दरिया से जिहड़ा बंदा सी सतलुज दरिया के कंढे ते आके जो मेरे मालक बैठे ने ना, तो लोधी खां के सिपाही नूं पता लगा कि कोई पीर के पीर ने जिहड़े सतलुज दरिया के कंढे ते आके बैठे ने। उन्होंने जाके सुनेहा दिता लोधी खां नूं, ते लोधी खां अपनियां राणियां नूं लैके अपने सिपाहियों नूं लैके मोहरां दा थाल भर के गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों के पहुँचे ने। आके लोधी खां ने बेनती की, हे पीरां दे पीर गुरु नानक देव जी महाराज, यह जिहड़ा मेरा नगर है ना, इहनूं मैं वड्डे पद्धर ते वसाउणा चाहुंदा, पर इह सतलुज दे दरिया दी पाणी दी मार दे थले आ जांदा, ते जिन्नियां भी मैं इमारतां तैयार करदा उहनां नूं ढह ढेरी कर जांदा, उहनां दा तहस नहस कर जांदा। कृपा करो, अरदास बेनती जोदड़ी है, मेरा तरला है कि सतलुज दरिया का जिहड़ा पानी इत्थों बड़ा सहज सुभा दे नाल, बड़े ठंडक दे नाल जिहड़ा वगे, तो मैं इस इमारतां नूं बड़े प्यार नाल तैयार कर सकाँ, इस नगर की उसारी कर सकाँ। पर गुरु नानक देव जी महाराज ने लोधी खां नूं कहा, लोधी खां तेरा यह नगर एक दिन बहुत बड़े पद्धर ते घुग वसेगा, जिहदा दुनिया दे विच ना होएगा, इंडिया दे विच ना होएगा, विदेशों दे विच ना होएगा। इत्थों 1515 दे विच जदों गुरु नानक देव जी महाराज आए, तो सतलुज दरिया सी जिहड़ा पूरा ठाठा मारदा सी, गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे, लोधी खां यह जिहड़ा सतलुज दरिया है ना, इत्थों 7 कोह दी दूरी ते चला जाएगा। तो अज गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा का सदका सतलुज दरिया जिहड़ा बहुत दूर चला गया, 7 कोह की दूरी पर चला गया, इतने नेड़ियों बुढ़ा दरिया होकर वग रहा है। तो सतगुरु की कृपा का सदका इतने संगतों का बहुत आना जाना, दूरों नेड़ियों देश तो विदेश तो दूरों नेड़ियों संगत आदि ने, क्योंकि इतिहास स्थान गुरु नानक देव जी महाराज के चरण पे ने, इस करके दूरों नेड़ियों संगत आदि ने। तो गुरु नानक देव जी महाराज से जो संगत मंग मंगदियां ने, बेनती करके जांदियां ने कि साड़ी ये आस पूरी हो जाए, तो गुरु नानक देव जी महाराज वो आस पूरी भी करते हैं। तो जो आस पूरी होंगी संगत फिर आप आके इतने अखंड पाठ साहब रखादियां ने, सुखमणी साहिब के पाठ करांदियां ने, गुरु के लंगर वास्ते जो सरदा बनता गुरु के लंगर वास्ते भी पाउंदियां ने, और इमारतों वास्ते भी जो बनता सरदा इमारतों वास्ते भी दान पात्र दे के जांदियां ने, गुरु की सेवा करदियां ने। सो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत, अज के दिन से आप साहब लख लख बधाइयां होण, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश दिहाड़ा है। समूह संगतों समूह इलाका निवासियों देश विदेश दी संगतों अज के दिन से बधाई है। साडे स्टाफ वालों साडे मुख सेवादार सरदार नेक सिंह जी ने, उन्हां वालों भी समूह संगतों को लख लख बधाइयां होण, ते समूह संगतों के चरणों च बेनती भी है सरदार नेक सिंह वालों कि वध चढ़ के समय चो समा कढ़ के गुरु नानक देव जी दे दर ते आया करो, इत्थों ही मूहों मंगियां मुरादा ने जिहड़ियां पूरियां होणियां ने, ते सानू पूरा संजोग जिहड़ियां संगतां दिंदियां ने। बाबा जी, किन्नी क जगह च गुरुद्वारा बनया है वा, इहदे आस पास की हैगा वा, अंदर की गुरुद्वारा साहब दे अंदर की हैगा वा? ये 3 किलों के गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी सारी इमारत है ना, 3 किले दे विच है। सब तो पहला तो बहुत बड़ा महान गुरु का घर बनया होया, जिहदे विच 24 घंटे गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी पढ़ी जाती है, अखंड पाठ साहब चलते हैं, कीर्तन चलता है, कथा विचार चलती है, संगत आदियां ने, नतमस्तक होंगे ने। उस तो उपरंत एक सरोवर तुहाडे सामने है, तुसीं देखे ही है, इधर गुरु का लंगर है, इधर सरावां बनिया ने, बहुत गुरु की कृपा सदका संगतां दे संजोग दे नाल बहुत बड़े पद्धर ते इस इतिहास स्थान की जिहड़ी उसारी हुई है। अजे बाकी रहिंदी है जिहड़ी, वह भी प्यार दे नाल संगतां दे संजोग दे नाल उसारी है जिहड़ी मुकम्मल कर। समय समय से कि मेले लगते हैं, कदों कदों स्थान पर रश हुंदा वा, संगतां दूरों दूरों आउंदियां ने। इत्थे विसाखी का दिहाड़ा जिहड़ा बड़े बड़े पद्धर ते जिहड़ा आपां मनाने आ जी,
और तो बाद गुरु नानक देव जी महाराज का विआह पुरब है वह भी बड़े पद्धर से मनाने दसवें पातशाह का अवतार दिहाड़ा वह भी बड़े पद्धर से मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज का तो आप सबनों पता ही बहुत बड़े पद्धर से मनाया जाता है। सतगुरु की अपार रहमत का सदका संजोगों के साध संगत के संजोग के सदका जड़े जे दिहाड़े ने मनाए जाते हैं। आज सारियां का बहुत बहुत धन्यवाद है जोड़े समय चो समा कढ़ के इस स्थान की महिमा कर दौ इस स्थान दूर दरेडे तक दस दौ कि इतिहासक स्थान है। गुरु नानक देव जी महाराज का घर है महाराज का दर है। हूँ आप पिछे है शैड की तैयारी की है सारा शैड पाया हूँ सोलर सिस्टम है जोड़ा लग रहा है ये संगतों के संजोग न ही है। संगत सानू बड़े प्यार सत्कार के संजोग देंदिया ने संगत के संजोग गुरद्वारा गऊघाट की उसारी है जी चल रही है। मैं संगतान तीन बेनती करना कि गुरद्वारा गऊघाट इतिहासक स्थान है बढ़ चढ़ के इस दर से आया करो सब मूह मंगी मुरादा ने जड़िया पूरिया होनगियां सतगुरु सब का भला करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। बिल्कुल इतिहासिक स्थान के बारे जानू कराया वा सो इतने कुछ संगत भी इतने मौजूद है कि उन्होंने गलबात कर रहे हैं तुम भी अच्छ दर्शन करना आए हो अज इतने जी। हाँ जी हाँ जी दर्शन करना आए हैं गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह पहली पातशाह जिन्हों का यह स्थान है। इस स्थान के उत्ते गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह शो प्राप्त है स्थान क्योंकि इस स्थान के उत्ते बुढ़ा दरिया जिहड़ा कि वह बहुत ही खराबी करता सी। गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह के बचन अनुसार एक काफ़ी दूर सतलुज दरिया के रूप के बहुत दूर चला गया और अज इस स्थान के उत्ते बुढ़ा जिहड़ा दरिया से वह बुढ़ा होकर चल रहा है और संगत बहुत दूर दुराडे तो देशों विदेशों तो संगत आने रहने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। अभी तकरीबन कोई भी दिन त्यौहार होंगे कोई दिन दिहाड़ा होंगे अभी जरूर दर्शन करते हैं। बिल्कुल परिवार के नाल आए ने बच्चे छोटे छोटे आए हैं सो तस्वीर तुम्हें असं दिखा रहे हैं सो कुछ होर भी लोग इतने मौजूद है गुरुद्वारा साहब। बाबे सत श्रीकाल जी। श्रीकाल जी। अज पहली पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब हैगा सो बिल्कुल असं तस्वीर नाल दी नाल असं सांझे कर रहे नाल असं गलबात भी कर रहे हैं सो ये तस्वीर तुम देख सकते हो गुरुद्वारा साहब आ उसके नाल सरोवर हैगा वा सो उसके नाल ही इतने एक लंगर हाल बनाया गया वा ये तस्वीर भी तुहाडे नाल सांझे करांगे। इस तरह तुम देख सकते हो लंगर हाल दीआं तस्वीर ने तो नाल नाल असी गलबात करांगे सो गुरुद्वारा साहब के जिहड़े प्रधान ने वो भी साडे नाल मौजूद ने उन्होंने असी गलबात करांगे। हरनेक जी सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी दास दा नाम नेक सिंह जी सिखेवाल सारी संगतों को पहले तो गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दी लख लख बधाइया और जी गुरद्वारा गऊघाट के पातशाह जी की जी अज महिमा हो रही है ये जो कि यह बड़े उच्चे पद्धर के उत्ते गुरु नानक देव जी जदों इत्थे इलाके दे विच आए इस दरिया के सतलुज के कंढे दे विच आए राजा लोधी ने इत्थे आ के उन्हां तों फरियाद की भी इत्थे नगर ना बचता नहीं सीगा क्योंकि सतलुज जदों भी इधर झोपड़ी चपड़ा बचता सीगा उदों सतलुज सारा ढा के लै जांदा सीगा। उन्होंने फरियाद की गुरु साहब ने हुक्म किया उन्होंने बेनती की भी जिहड़े नगर के उत्ते त्रासदी वरतदे आ तुसीं संगतां दे उत्ते उन्होंने ना वरतो अगे तो यह नगर तुहाडा बहुत वड्डे पद्धर उत्ते बसेगा सतलुज इत्थों सतकोह दे उत्ते जाके चलेगा जो कि अज सतकोह दे उत्ते जांदी सी 14 किलोमीटर 14-15 किलोमीटर दे जाके अज चल रहा। लुधियाणा का नाम भी अज देशों विदेशों में चल रहा वा क्योंकि गुरु नानक देव जी ने इत्थे चरण पाए सी उदों वचन दित्ते सी कि नाम जिहड़ा वा विदेशों विदेशों तक चलेगा लुधियाणा दा नाम इह बिलकुल बहुत सतगुर दी इह महिमा हैगी है सतगुर जी दा पार कृपा लुधियाणा शहर के उत्ते जिहड़ी है जिहड़ा अज दुनिया के विच लुधियाणा शहर का व्यापार जिहड़ा एड्डा प्रफुल्ल हैगा हौजरी इंडस्ट्री एरिया साइकिल इंडस्ट्री जी बहुत बड़े पद्धर से चलती है सतगुर की कृपा ही हैगी। कितनी संगत जी हर समय इतने रही आती जाती रही वे वे दिहाड़े मनाए जाते हैं कितनी संगत आ जाती है। संगत बड़ी कृपा संगत की बहुत सिर संगत बहुत पद्धर बड़े पद्धर से आदि रोजाना प्रोग्राम चलते रहेंगे रात को रात के 10 बजे तक प्रोग्राम चलते रहेंगे जेडे बड़े पद्धर के उत्ते असं ब्याह पुरब का पुरब मनाने गुरु नानक देव जी का गुरपुरब ने विसाखी बहुत बड़े पद्धर से मनाई जाती है। उस बाद संगत रात को 12 बजे तक हूँ देखो आप जी देखते रहो संगत बड़े पद्धर से आ रही हैं संगत लंगर की सेवा कर रही हैं हर पासे सेवा कर दी आज सैड की सेवा संगत के सहयोग न होया दास नूं अजे साल होया उपर सोलर सिस्टम लगता पाया ये सारा संगत के सहयोग ना असीं संगत अगे बेनती करांगे भी वध चढ़ के सेवा करो ये गुरु घर की। बिल्कुल जिवें कि जानकारी दी आ गुरुद्वारा साहब के जिहड़े प्रधान ने उन्हां वल्लों जानकारी दी गई एक बार फिर तुहानूं तस्वीर दिखा दिंदे उस स्थान दी तस्वीर ने जदों गुरु नानक देव जी इस स्थान ते आए सीगे चरण छोह धरती इस स्थान नूं कहा जांदा वा दस दी कि इह उह पवित्र स्थान आ जिथे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने 1515 ईस्वी दे विच आए सन उस समय जवाब जलाल खान लोधी गुरु जी दे पास भेटा लैके
आया सी ते बेनती की सी महाराज जी सतलुज दरिया शहर नू ढाल ला रहा है, आप जी मेहर करो। उस समय गुरु नानक देव जी ने बचन किए सन कि तुसी प्रजा नाल इंसाफ करो, सतलुज दरिया इस शहर तो सत को दूर हो जाएगा अते यह बुढ़ा होकर चलेगा, इस दे नेड़े बुढ़ा होकर चलेगा। तो सतलुज उस वेले इतों दूर हो गया सीगा, तो यह नगर जिहड़ा वा अज वड्डा बन चुका वा, लुधियाने का नाम जिहड़ा वा देशों विदेशों दे विच लिया जांदा वा, वड्डा व्यापार जिहड़ा वा इस स्थान ते हुंदा वा। तो अज तुहानू दर्शन कराए ने पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब से लुधियाना के इतिहासिक स्थान, जिस स्थान पर श्री गुरु नानक देव जी खुद आए थे, इस स्थान को चरण छोह धरती कहा जाता वा, गोबिंद कौर घाट गुरुद्वारा के नाम तो यह जाने जाता वा। कैमरामैन सलमान के नाल नरेंद्र महंदू, जगमैन टीवी, लुधियाना।